स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ट्रॉफी कैबिनेट्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज जिस जगह मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे जितने भी अवार्ड्स देख रहे हैं आप, ये एक बेहद खास खिलाड़ी ने जीते हैं। ओवर द ईयर्स, ओवर द लास्ट डिकेड, उन्होंने जितने भारत को मैच जीता है, जितना भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया, वो ये सब अवार्ड्स हैं, वो ये एक तरह से कमाई है उनकी, और ये सब आपके सामने देखने को मिल रही है। अर्जुना अवार्ड भी है, और वो खिलाड़ी कौन है देख सकते हैं आप। अगर देखें, ये तो ट्रॉफी है, लेकिन असली में हमारे साथ वो खिलाड़ी मौजूद है, और अब किसी लेजेंड से कम नहीं है, और रिटायरमेंट इन्होंने अभी अभी अनाउंस करी है। गौतम गंभीर हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में विक्रांत भी हैं, और गौतम ने ये अभी अभी डिज़ाइन किया है। गौतम, ये रिटायरमेंट से पहले का प्लान चल रहा है कि गौतम तो लगातार 100 पे 100 मार रहे थे मैदान में, लेकिन यहाँ पर जो एक तरह से संजो के रखी है मेमोरीज और लाइफ टाइम मेमोरीज हैं पूरे करियर की, आप देख सकते हैं ICC ट्रॉफीज हैं यहाँ पर, अर्जुना अवार्ड है, कई मैन ऑफ द मैच अनगिनत अवार्ड्स हैं यहाँ पर, और गौतम आई एम श्योर कि ये तो कुछ हैं, अभी बहुत सारे अंदर वर्ल्ड कप का मेडल, दोनों वर्ल्ड कप के मेडल और मेरे मैन ऑफ द मैचेस के मेडल, बिकॉज मेडल्स बहुत ज़्यादा हैं, और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज, जो न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज हुई थी, उसकी मैन ऑफ द सीरीज का मेडल। कुछ खास हैं आपके, क्योंकि ऑब्वियसली अर्जुना अवार्ड तो किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत स्पेशल होता है। दो वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा स्पेशल है, दो वर्ल्ड कप के मेडल, बहुत कम लोगों के पास ऐसे वर्ल्ड कप के मेडल होंगे। शायद ICC इंटरनेशनल टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर, ये ट्रॉफी बड़ी खास होगी। इवन पॉली उमरेकर बहुत ज्यादा, बिकॉज पॉली उमरेकर इज क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये है ICC ट्रॉफी, ये है वो ट्रॉफी जिसकी विक्रांत बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली दुनिया के नंबर वन टेस्ट बैट्समैन, कमाल। 2009 एक ट्रॉफी की मैं बात करना चाहूंगा, मैं सब देख रहा था, बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉफीज हैं, ये एक स्कूल की ट्रॉफी है, अक्सर स्कूल की ट्रॉफी इतनी बड़ी ट्रॉफीज में को इसको कैसे जगह मिल गई? देखिए, कई चीज़ें आपने स्कूल में जब अचीव करी होती ना, वो भी बहुत मेमोरेबल होती है, कि जब मैं स्कूल में एक्चुअली स्कूल का टूर्नामेंट खेलने जाता था, बिकॉज जब आप ना इंडिया खेले थे, जब आप सिर्फ स्कूल में क्रिकेट आपने स्टार्ट करी थी, तो जब वो टाइम पे आप जब मैन ऑफ द मैच बनते थे, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहती है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम पर आप ये सोचते नहीं थे कि आप आगे जाके कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर लेते थे, तो लेकिन उस टाइम वो इन ट्रॉफीज़ की वजह से ही जो मोटिवेशन आती है आपको कि आपने और मेहनत करनी है और अपने देश का नाम रोशन करना है, तो ये बहुत बड़ी मोटिवेटिंग फैक्टर था। और गौतम का दूसरा नाम सिंसेरिटी भी है, क्योंकि स्कूल की बात करी तो एक ट्रॉफी वहाँ पड़ी है, गौतम जिस स्कूल में पढ़े और इतना कुछ उन्होंने वहाँ पर लर्न किया, मॉडर्न स्कूल, घर से ज़्यादा दूर नहीं है, चीफ गेस्ट की एक ट्रॉफी पड़ी हुई थी वहाँ पर, हाँ ये ट्रॉफी है वो, तो जो सिंसेरिटी अभी भी गौतम दिखाते हैं, चीफ गेस्ट बन के गए थे वहाँ पे, तो ये स्कूल भी आप सब कुछ है, अभी तो तमाम ट्रॉफीज हैं। अभी मैंने जब चीफ गेस्ट बन के गया था, तो मैंने एक स्पीच दी थी वहाँ पर, और स्पीच में ये बोला था कि ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आप अपने ही वापस स्कूल में चीफ गेस्ट बन के आते हो, उससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं। कितनी बड़ी बात, बिकॉज जिस स्कूल में आप बचपन से पढ़े, नर्सरी से पढ़े, और उसी स्कूल के जब आप चीफ गेस्ट बनते हो फाउंडर्स डे पे, उससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है। ठीक है, आप वर्ल्ड चैंपियंस, ये भी है एक वर्ल्ड चैंपियन, एंड यहाँ तो पूरा एक म्यूजियम, लेकिन ये आपकी यादगार होगी मेमोरी, क्योंकि ये टीम में दोस्त भी तो सारे होंगे बहुत। इनफैक्ट अगर इस टीम में आई थिंक सारे इतने ऐसे लोग थे जिनके साथ आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते थे, और तभी जब तक आप किसी अपने दोस्तों को, अपने टीममेट्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक आप अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। सही बात है, और ये तमाम जो यादगारें हैं, ये यादगार हैं, गौतम ने पूरी तरह से एक सजा के रखी हैं यहाँ पर। एंड गौतम, अब आपने रिटायरमेंट तो ले ली, आगे अब कैसे टाइम स्पेंड करेंगे? फैमिली, दो छोटे बच्चे हैं मेरे, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि एक बार ही जब वो स्कूल जाना शुरू कर देंगे, तो फिर आपके पास टाइम नहीं है, फिर वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे, और फिर आप ये रिग्रेट करोगे ये टाइम कि आप उनके साथ आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। और वैसे आपने देखा नहीं, ये तो 3 विकेट्स हैं यहाँ पे सिर्फ रखी हुई, वहाँ विकेटों का अंबार है। MS धोनी बड़े कलेक्ट करते हैं विकेटें हैं यहाँ पर। ये होगा नेपियर, सॉरी नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सीबी, ये तो सीबी सीरीज है, और ये है नेपियर, ये ग्रामीण फोन, ये बांग्लादेश, अच्छा ये बांग्लादेश है, ये तो हिंदुस्तानी लग रहा है।
सबके साइन है यहाँ पर, ऑटोग्राफ हैं सबके। आपको भी शौक था कलेक्शन? मैंने आई एम श्योर, मेरे को ये याद नहीं है कौन सी सीरीज़ की है, आई एम श्योर की सीरीज़ में मैंने अच्छा किया होगा, बिकॉज जिस सीरीज़ में या तो मैंने मैन ऑफ द सीरीज़ या मैन ऑफ द मैच जीता, जिस मैच में उसी मैच की ट्रॉफी मतलब उसी मैच में वो स्टंप लेके सबसे साइन करवाएं, ऐसा कुछ मेमोरेबल हुआ होगा आई एम श्योर। तो तुम ये क्या है, नाइट राइडर्स के हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के भी काफी, और ये आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, टीम ऑफ द ईयर में भी, टीम टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में रहे हैं, और ये आमी केकेआर, केकेआर तो गौतम ने कह दिया था जिस तरह से कोलकाता इनका सेकंड होम ही था ऑलमोस्ट, और केकेआर में वहाँ कोलकाता में बंगाल में जो गौतम को जो एक तरह से जो प्यार मिला है वो अनकम्पेरेबल। बिल्कुल, आई थिंक मेरी ज़िंदगी के 7 साल जब मैंने उनके कैप्टनसी करी है केकेआर के लिए, वो मैं कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज जिस तरीके का मुझे प्यार भी मिला और जिस तरीके का मुझे सपोर्ट भी मिला ओनर्स से, बिकॉज उस सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, उस फ्रीडम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते थे, कि जब इंटरफेरेंस जीरो थी और आपके पास पूरा राइट था, आपके पास पूरे डिसीजन मेकिंग की पावर थी, जब आपके पास ऐसी डिसीजन मेकिंग की पावर होती है और ऐसा राइट होता है और इतना ट्रस्ट करते हैं तो आपको डिलीवर करना ही पड़ता है, और शायद वो एक प्रेशर भी था और उसी रीज़न से मैं इतना ज़्यादा हंस भी नहीं पाया फील्ड पे, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, पहले तो पैसे की, उसके बाद आई थिंक जिस तरीके से मेरे पे ट्रस्ट किया जा रहा था और जिस तरीके से मुझे फ्रीडम दी जा रही थी, जब आपको फ्रीडम दी जाती है तो फिर आप आंसरेबल भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। आखिरी सवाल गौतम, अब क्या मेंटोर के तौर पर किसी टीम के साथ कभी कोई जुड़ने का कोई ख्याल कभी आया, या फिर कोच आने वाले वक्त में ट्रॉफीज अभी और भी जुड़नी है? कोचिंग करेंगे 100% में से, आप लिखवा लीजिए 100%। मेरे लिए ना एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई अगर मुझसे ये पूछे कि मैं कमेंट्री ज्यादा प्रेफर करता हूँ या कोचिंग, बिकॉज जिन लोगों को एक्शन पसंद होता है ना वो एक्शन में रहना पसंद होता है, और ये भी प्रेडिक्शन नहीं, मेरी रीडिंग है कि जो कोचिंग की आप बात कर रहे हैं वो शायद आईपीएल नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा, वो आईपीएल नहीं होगा, वो क्रिकेट के मैदान से गौतम ज़्यादा देर दूर नहीं रहेंगे, इतना आपको बता दें, तो लेट्स वेट। लेकिन गौतम हमारे जो क्रिकेट की जो बात है विक्रांत के साथ, आप स्पोर्ट्स तक पर जाकर ज़रूर देखिएगा वो इंटरव्यू भी, और थैंक यू गौतम, थैंक यू फॉर द मेमरीज़, और भी बहुत सारी मेमरीज़ हैं एंड गुड मेमरीज़, थैंक यू, गुड बाय।